वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है और आम जनता से अपील की गई है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लोग किसी सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा ना हो, जिससे वायरस को फैलने से रोका जा सके। लेकिन जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही इन सभी बातों का पालन नहीं करेंगे तो इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला बिलासपुर में, जहां विधायक शैलेश पांडे सरकारी बंगले में लोगों को राशन सामग्री बांट रहे थे। आज उनके सरकारी बंगले में राशन लेने जरूरतमंदों की भीड़ टूट पड़ी। अचानक इतनी भीड़ इकट्ठी हुई तो लोगों से घर वापस जाने की अपील की और उनके पार्षद और प्रशासन की मदद से राशन दिलाने की बात कही, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। इसी बीच पुलिस पहुंची और लोगों को वहां से वापस भेजा, जिसके बाद धारा 269 और 188 के तहत विधायक शैलेश पांडे के खिलाफ FIR दर्ज की गई। और आपको बता दें कि इस पूरी घटना पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है। आज विधायक जी के निवास में आसपास की आम जनता काफ़ी संख्या में राशन और अन्य सामग्री लेने उपस्थित हो गई थी। लगभग 1000 से अधिक आम जनता वहाँ इकट्ठित हो गई थी, जो राज्य शासन द्वारा लागू 144 का उल्लंघन पाया गया, जिस पर 188/269 के तहत कार्रवाई की गई। तो वही विधायक साहब भी अपना बचाव करते हुए नजर आए और उन्होंने अपने बचाव में क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मैं आज सवेरे 10:30 अपने कार्यालय आता हूं, जो मेरा सरकारी बंगला है, वहां पर मैं आके देखता हूं, वहां पर सैकड़ों लोग यहां मेरे बंगले के बाहर बंगले के अंदर बैठे हुए हैं। मैं 10:30 एक मिनट के अंदर मैंने पुलिस अधीक्षक और एडिशनल SP को फ़ोन किया, पुलिस अधीक्षक का नहीं लगा। एडिशनल SP साहब को मैंने बताया, मैंने कहा मेरे बंगले में इतनी भीड़ आ गई है, आप तत्काल गाड़ी भेजिए, पुलिस सुरक्षा भेजिए। तत्काल पुलिस सुरक्षा आई। जैसे ही पुलिस सुरक्षा आई, मैंने उनकी मदद करी, उनको अंदर लेकर आया, उनकी गाड़ी में बैठ के मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से जाने के लिए। मैंने वहाँ बोला, मैंने उस भीड़ को वापस अपने घर में जाए उसके लिए मैंने कानून की मदद करी, कानून को बताया। मैंने कौन सा कानून का खिलवाड़ किया, कहाँ से किया मैंने? अगर कोई भूखा आदमी है उसको खाना खिला रहा हूँ मैं, तो मैंने अपराध किया है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कोई प्रदेश में भूखा नहीं रहेगा, तो मैंने अपराध किया है? कौन सा अपराध किया मैंने, बताया। विधायक साहब चाहे अपने बचाव में कुछ भी कहें, लेकिन सच तो यही है कि लोगों से अपील की गई कि वो बाकी लोगों से दूरी बनाए रखें, तो फिर इतनी भीड़ को उनके आवास पर इकट्ठा ही क्यों होने दिया गया। बिलासपुर से न्यूज के लिए संजय यादव की रिपोर्ट।